नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज 21 अगस्त 2023 को प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इस वाली स्लाइड में आप देखेंगे जो ऑब्जर्व वेदर है पिछले 24 घंटे में, जो ऑरेंज कलर है वहाँ दिख रहा है कि हैवी टू वेरी हैवी रेन, यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 20 सेंटीमीटर से कम पूर्वी राजस्थान में देखने को मिली है। इसी के साथ साथ जो हैवी रेनफॉल, भारी बारिश पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा, उत्तराखंड, सिक्किम और आसाम में देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। ये कुछ आप देखेंगे जो रेनफॉल का जो अमाउंट है, जैसे ईस्ट राजस्थान में 16 सेंटीमीटर और वेस्ट राजस्थान में 11 सेंटीमीटर, उत्तराखंड में 9 सेंटीमीटर, आसाम मेघालय में स्पेशली आसाम में 9 सेंटीमीटर, सब हिमालय वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी 9 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। और मैं अगर मुख्य बिंदु की बात करूँ आज, तो आप देखेंगे कि अगले 5 दिनों तक जो हमारा पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर भारत और उससे जुड़ा हुआ सिक्किम में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिनों तक, और ईस्ट एमपी और एमपी और ईस्ट राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। और आज की मैं अगर सिनोप्टिक सिस्टम में मौसम प्रणाली की बात करूँ, तो जो मानसून ट्रफ है, जो मानसून ट्रफ का पश्चिमी भाग है वो अपने नॉर्मल पोजिशन से साउथ है, जो थोड़ा सा साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, जो बीकानेर से शुरू होते हुए कोटा, सिद्धी, गुना, देहरी, बलूर घाट होते हुए नागालैंड तक जा रहा है, जबकि उसका पूर्वी भाग जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से नॉर्थ की तरफ है। इसी के साथ साथ जो कल एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, निम्न दाब का क्षेत्र था सेंट्रल एमपी पे, वो सुबह लेस मार्क हो गया, अब एक साइसर है जो नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर है, और WD जो है वो ट्रफ के तौर पर अफगानिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो क्लाउड का जो मूवमेंट है पूरा, आप देख रहे हैं कि इस वाले रीजन में पूरा क्लाउड है जहां अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है। और मैं वार्निंग की बात करूं तो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर केवल उत्तराखंड में है जहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश में हैवी रेनफॉल, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ सिक्किम में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और मैं कल की बात करूं यानी 22 तारीख को, तो आप देखेंगे जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की उत्तराखंड, यूपी और बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में थोड़ा बढ़ जाएगा, जहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और ईस्ट यूपी, हरियाणा, स्पेशली नॉर्थ पार्ट जो हरियाणा का, उत्तराखंड और ईस्ट राजस्थान, पूरे एमपी में हैवी रेन होने की संभावना है। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकती है 22 तारीख को। यानी मैं 23 तारीख की बात करूं Day 3 की, तो आप देखेंगे कि जो रेनफॉल का इंटेंसिटी है वो HP, उत्तराखंड, वेस्ट यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगी, और इसी के साथ साथ पूरा एमपी, ईस्ट यूपी, उड़ीसा और GWB और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और Day 4 की अगर मैं बात करूं यानी 24 तारीख को, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट HP, उत्तराखंड, बिहार और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यूटी रहेगी, और यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और Day 5 में भी ऑलमोस्ट जब Day 4 जैसी कंडीशन है, जब आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर बिहार और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में, और जो येलो कलर में उसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईस्ट यूपी, झारखंड, GWB, उड़ीसा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम स्टेट हैं जो Day 5 की वार्निंग है। इसी के साथ साथ पूरे जो कंट्री में है अगले 5 दिनों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी, एक दो जगह पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है पूरे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।